वेलकम टू आवर चैनल एंड टूडे टॉपिक ओमिशन ऑफ द और ये हमारी आर्टिकल पर लास्ट वीडियो है इससे पहले हम आर्टिकल पर जो है वो मेरे ख्याल में, में पाँच से छः वीडियो बना चुके हैं जिसमें रूल्स डिस्कस किए गए हैं और फिर एक वीडियो है कि आपने इन आर्टिकल्स को जो है वो किन के साथ नहीं यूज़ करना कौन से सिचुएशन हैं जिनके साथ हमने केयरफुली जो है वो फ़ैसला करना डिसाइड करना है कि किस किस के साथ दा आएगा या नहीं आएगा या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो है वो आएगा या नहीं आएगा तो आज ओमिशन ऑफ द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल हमने किन किन सिचुएशंस में नहीं यूज़ करना है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें ओके okay, आज की लास्ट वीडियो है आर्टिकल्स पर तो आज की वीडियो है कि हमें किन किन सिचुएशन में दा लगाने से या डेफिनेट आर्टिकल लगाने से अवॉइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दा इज नॉट जर्नली यूज्ड बिफोर अभी हमने दा जो है वो किन किन चीज़ों से पहले कभी भी यूज़ नहीं करना है और वो कौन कौन सी है नेम ऑफ पर्सनज आर प्लेस अगर आपको याद हो तो जब रूल्स डिस्कस किए गए हैं अगर हमारी वो वीडियोस आपने ध्यान से देखी हैं जब रूल्स डिस्कस किया गया तो उसमें साथ साथ ही आपको ये बताया गया आपने किसके साथ दा यूज़ करना है किसके साथ नहीं करना है लेकिन फिर भी ये एक वीडियो जो है वो कंपैरेटिवली हमने बनाई है ताकि आपके लिए जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए नेम और प्लेसेस के साथ आपने द इससे पहले नहीं लगाना नेम ऑफ टाइटल्स ऑफ प्रोफेशन जैसे द डॉक्टर टीचर तो ये टीचिंग uh, जो है प्रोफेशन द एजुकेशन ये हैं तो नेम ऑफ टाइटल्स ऑफ प्रोफेशन व्हेन दे आर फॉलोड बाई प्रॉपर नेम्स जब उनका प्रॉपर नेम यूज किया जा रहा है अगर तो टाइटल हो तो फिर हम उसके साथ दाल लगाते हैं ऊपर हमने रोल जो रूल डिस्कस किया था उसमें पढ़ा के टाइटल के साथ दाल लगाते हैं लेकिन अगर हम टाइटल जो है वो प्रॉपर नेम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं यानी प्रॉपर नेम ही टाइटल के तौर पर यूज़ हो रहा है तो आप उसके साथ दाल नहीं लगाएंगे जैसे देखिए किंग एडवर्ड क्वीन अलिजब क्वीन ऑफ इंग्लैंड जस्टिस बाल बाल्दविन जर्नल परवेज मुशरफ कैप्टन वकार अब देखिए इनमें से इनका जो टाइटल है इनका प्रोफेशन का टाइटल है इनका रियल नेम है ठीक है यानी एडवर्ड अगर बादशाह है ये उसका प्रोफेशन है तो हमने किंग लिखा लेकिन इसका प्रॉपर नेम ही एडवर्ड किंग एडवर्ड है इसलिए उसके साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है द किंग लगाने की जरूरत नहीं है जो प्रॉपर नेम है वो यूज़ किया जा रहा है तो उसके साथ टाइटल से पहले या प्रोफेशनल टाइटल से पहले दाल लगाने की ज़रूरत नहीं है नेम ऑफ गेम्स जब आप कोई भी गेम का नाम लेते हैं तो उसके पहले या उससे पहले दाल लगाने की द क्रिकेट द फुटबॉल द चेस ये कहने की जरूरत नहीं है यानी इनके साथ दान नहीं लगेगा और अगर करेक्ट ऑफ करेक्ट यूजिज ऑफ सेंटेंसेस आता है तो आप इस तरह के रूल्स को अगर याद रखेंगे तो मिस्टेक को हाईलाइट करना और उनको री करके उनको राइट uh, जो उनका वे है वो करना या उनको करेक्ट करना जो है वो आपके लिए आसान होगा नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड पब्लिक हॉलीडेज़ यानी ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन उनके साथ भी आप दा का यूज नहीं करेंगे क्रिसमस न्यू ईयर योम अशूरा लेकिन स्पेशल नोट है यहाँ पर क्या है नोट दैट व्हेन दीज नेम्स आर यूज्ड एज एबजेक्टिव बिफोर नाउन लाइक हॉलिडे सीजनज एट्सट्रा द आर प्रसीडिड बाय द बाय द यानी द क्रिसमस सीजन द ईद होलीडेज कोई भी जो जर्नल थिंग्स हैं उनके साथ हम दाल नहीं लगाएंगे अब ये देखिए जर्नल इवेंट्स हैं हमारे आ, ये जर्नल इवेंट्स हैं इनके साथ दाल लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब हम स्पेशल उसका जिक्र करते हैं कोई इवेंट हमारे लिए स्पेशलाइज हो जाता है फोर्स करने के लिए उस पर एम्फोसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं उनके साथ दाल लगाते हैं जैसे सीजन नाउन तो फिर हम नाउन से पहले एडजेक्टिव यानी यूज एज एडजेक्टिव बिफोर नाउन यानी जो एडजेक्टिव है हमने उनके साथ दा लगाना है यानी दा द क्रिसमस सीज़न द क्रिसमस सीज़न द ईद हॉलीडेज यानी हमने उसका सिर्फ फेस्टिवल का जिक्र नहीं किया बल्कि इससे पहले हमने उसका जिक्र किया है इसके बाद जो है वो नाउन का इस्तेमाल किया गया इसलिए हमने उसके साथ दा लगाना है फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ सब्सटेंसेस इफ़ दे आर यूज्ड इन जर्नरल सेंस ऐसे सब्सटेंसेस जो जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं उनके साथ जो है वो दाल लगाने की जरूरत नहीं है राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ बंगालीज गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल तो इनके साथ दाल लगाने की जरूरत नहीं है नेम ऑफ मील्स यूज एज पार्ट्स ऑफ डेली रूटीन वो पहले भी आपको बताया था कि मील uh, के साथ कभी भी आप दाल नहीं लगाते लेकिन अगर यही मील स्पेशल हो तो उसके साथ नाम उसके साथ हम दाल लगाते हैं थिंग्स इज बल्क इवन 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 दो दे आर स्ट्रिकली स्पीकिंग काउंटेबल अगर कोई चीज़ जो है वो बल्क में है तो वो काउंटेबल है तो हम उसके साथ भी डा नहीं लगाएंगे वही सेल्फ पेंसिल्स हैं एंड नोटबुक्स चाहे ये स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो वो एक बंडल टाइप हो बल्क हो लेकिन फिर भी वो काउंटेबल हैं ओके okay, नेक्स्ट है फर्स्ट रूल है कि जर्नली जो नेम्स हैं उनके साथ आपने कोई भी नेम है मतलब कोई टाइटल वगैरह है कोई गेम्स का नेम है कोई जगह का नेम है तो उसके साथ आपने दान नहीं लगाना तो सेकंड है वो आगे इसके सब टॉपिक्स हैं सेकंड है इन सोट्रीन वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेजेस वी फाइंड जो वेल अस्टैब्लिश फ्रेजेज हैं उनके साथ हम दान नहीं लगाते हैं देर इज ओवर नो रूल रिगार्डिंग दमिशन ऑफ द इन दिज फ्रेजेज इन इन फ्रेजेज़ में जो कि फ्रेजेज हम यूज़ करते हैं चूंकि एक सेंटेंस में फ्रेजे और क्लासेज होते हैं ठीक uh, well है लेकिन जो वेल स्टैब्लिश फ्रेज है ठीक है उसके साथ हम दा जो है वो नहीं लगाते वही फाइंड दकिन अभी तक कोई इसके बारे में रूल नहीं है वो आप जर्नली अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें तो फिर वहाँ पर जो है वो आहिस्ा आसा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इनके साथ जो है वो अभी, वो अभी कोई रूल्स ऐसा नहीं हुआ है इस्टेब्लिश लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो फिर हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेट सेट फुट इन गो ऑन फुट बाय लैंड यानी ये वेल टू फ्रेजेज हैं इनके साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है uh, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाय द बाय वाटर बाय कैट्स कास्ट एंकर एंड ये आप सारी रीड आउट कर लीजिएगा ठीक है ये फ्रेज़ हैं सारी एग्जांपल्स हैं जिनके साथ आपने दा जो है वो यूज़ नहीं करना ये well established है ये वेल इस्टेब्लिश्ड हैं इनको दा की जरूरत नहीं है ये बग़ैर दा के अपना जो मीनिंग है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ठीक है और आगे जो थर्ड जो रूल है देर आर सम नाउन लाइक स्कूल चर्च हॉस्पिटल प्रिजन विच आर यूज विद दा एंड विदाउट दा विद डिस्टिंगशन इन मीनिंग तो इनमें से कुछ